सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 8th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18। दिए हुए वृत्त ओ की अर्ध परिधि के समान रेखा प्रतीत करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न उसमें पेपर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक वृत्त दिया हुआ है, तो हम एक वृत्त ले लेते हैं और हमने क्या करना है, ये आपका ओ पॉइंट है जहां से हमने वृत्त लगाया है, इसमें हमने एक व्यास खींचना है डॉटेड। इस तरह से इस व्यास का हम नाम दे देते हैं डी सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपका जो सी पॉइंट है इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देना है। यहाँ पे नब्बे डिग्री के कोण बनाने आपने सीख रखे हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से इसको बना लेता हूँ। जहाँ पे दोनों रेखाएं कट रही है आपस में चापे, वहाँ पे आप इस तरह से रेखा लगा सकते हैं। इस तरह से आप एक लाइन लगा देंगे और आपने जो आपका ओ पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है, यहाँ पर आपने एक 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ये आपने छठी कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ आप सबसे पहले जो चाप, पहली चाप होती है 60 डिग्री की होती है और आपने इसका आधा कर देना है। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। इस तरह से और हम इसको मिला देंगे O के साथ। अब आपने यहां क्या करना है, देखो आपके पास यहां पे दो ऑप्शन है। अब यहां पे आपने क्या करना है, जो आपने ये 90 डिग्री का कोण बना रखा है, या तो आप इसके समान अंतर रेखा खींच सकते हैं डी से, या फिर डी पे आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे रेखा खींच लेंगे, समानांतर रेखा ए से, और ये समानांतर रेखा जो है इस तरह से हम रेखा खींच लेंगे समानांतर रेखा। ये समानांतर रेखा जो है यहाँ पे 30 डिग्री वाले कोण को मिल रहा है, यहाँ पे ये आपका पॉइंट आ गया ए। अब आपने क्या करना है, अर्ध परिधि के बराबर पूछा है, तो आपने जितना आपका अर्ध व्यास है इतने प्रकार खोल के आपने यहां पे निशान लगाना है, एक दो और यहां पे तीन, और इसके आपने नाम भी लिख देने हैं, एक दो तीन। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं बी। आपने क्या करना है, तीन को और बी को, ये जो आपकी है इसको आपने मिला देना है इस तरह से डार्क, ये आपकी उत्तर की रेखा है। ये प्रश्न नंबर है 18। अगला आपका है प्रश्न नंबर 19। दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। तो हमें दो वृत्त दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों के पहले केंद्र ले लेते हैं ताकि हमारी जो वृत्त है वो सीधी लाइन पे बनेंगे। तो मैं एक केंद्र यहाँ ले लेता हूँ, एक केंद्र आपका यहाँ ले लेता हूँ और इन केंद्रों को मैं डॉटेड आपस में मिला देता हूँ। एक्चुअल में हमें दिए हैं दो वृत्त
और वो भी दो समान है। तो मैंने सिर्फ इसलिए ये रेखा पहले ही लगा दी है ताकि हमारे जो वृत्त हो वो सीधी लाइन पे बने, ऊपर नीचे टेढ़े ना बने, इसलिए मैंने पहले ही ये ए केंद्र है और ये बी केंद्र है। अब आपने क्या करना है, एक केंद्र पर प्रकार करके आप यहाँ पे एक वृत्त लगा दो। जितना आपने ए पर वृत्त बनाया है उतना ही वृत्त आपने बी पर भी बना देना है। अब आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण आप सब जानते हैं कैसे बनता है, मैं फटाफट से यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा पूछी है, इस तरह से बना दिया। अब आपने इसको डॉटेड मिला देना है। हमने मिला दिया है। अब हमने इतना ही प्रकार खोल के बी पॉइंट पर भी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। इस तरह से आपने बी पॉइंट पर भी 90 डिग्री का कोण बना करके इसको मिला देना है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो पॉइंट अब आए हैं। एक आपके पास यहाँ पे जहाँ पे ये रेखा कट रही है ये आ गया M, जहाँ यहाँ है ये आ गया N। ये जहाँ पे वृत्त की परिधि के साथ कट रहा है ये है। हमने क्या करना है, इसको मिला देना है ऊपर से N और M को, और हम इसको डार्क मिलाएं। इस तरह से ये आपकी आ गई दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा।